जापान से भी कनाडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही कितना सरेंडर जापान उसने भी कनाडा को आकार दिया बेसलेस एंड अनएक्सेप्टेबल दैट इज हाउ द इंडियन गवर्नमेंट डिस्क्राइब्ड द प्राइम मिनिस्टर्स बिजार थ्योरी नाउ द प्राइम मिनिस्टर्स इनकॉम्पिटेंस हैज सीवियरली डैमेज्ड कनाडाज रिलेशंस विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड एन इमर्जिंग पावर इन एशिया असगर ट्रूडो अब वो ट्रूडो कर क्या रहा है ट्रूडो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से इससे बाहर निकला जाए इस समय तो चारों ओर से प्रेशर कनाडा पे है और ये मीटिंग का ऑफर भी कनाडा की तरफ से आया है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हो जाए कनाडा के डेलीगेशन से जिसके चीफ है रॉबर्ट रे एक आर्गुमेंट तो बन रही है ना कि अगर आप मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं मार सकते ट्रूडो अब वो ट्रूडो कर क्या रहा है ट्रूडो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से इससे बाहर निकला जाए इस समय तो चारों ओर से प्रेशर कनाडा पे है और ये मीटिंग का ऑफर भी कनाडा की तरफ से आया है अब अमेरिका को कनाडा ने बोला कि भाई हमारी हमारी कोई बैटल करवा हो गया अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हुए हैं न्यूयॉर्क में वो यूएन जनरल असेंबली में बोलेंगे वहीं पे कनाडा का एक डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है और इसमें कहीं हल निकालने के लिए अमेरिका ने पहल की है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हो जाए कनाडा के डेलीगेशन से जिसके चीफ है रॉबर्ट रे जो कि इंडिया जब बोलेगा उसके 10 वक्ताओं के बाद वो कनाडा बोलेगा मतलब सेम ही डे नंबर आ रहा है 26 तारीख का है जब इंडिया बोलेगा और इस पूरे गेम में कोशिश ये की जाएगी कि दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशन हो जाए पहले तो आग लगा दी इस अमेरिका ने और अब रिलेशन बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ ये बात जरूर है कि प्राइम हमारे जयशंकर साहब करेंगे कि नहीं करेंगे मीटिंग ये जयशंकर साहब पे होगा एक्चुअल में एक ट्रैप में फंस ये ट्रूडो जो है ये ट्रूडो फंसा कैसे इसको लगा कि ये सारे के सारे G7 और ये सारा 5 अलायंस मेरे साथ होगा और इन्होंने भी कहा चल बेटा जवान तू आगे चल हम तेरे साथ हैं अब जैसे ही उसने हमला बोला इंडिया की ओर पीछे मुड़ के देखा तो वो शोले वाला सीन था कि आधे इधर चलो बाकी हमारे साथ हो आधे आधे बट चुके साथ कौन ये हुआ और ट्रूडो फंस गया जापान से भी कनाडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही जापान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा को अपनी मध्य शक्ति दृष्टिकोण को छोड़कर इंडो पैसिफिक कूटनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जापान टाइम्स ने यह समझाने के लिए चीन तक का उदाहरण दे डाला रिपोर्ट में लिखा कि यह पहली बार नहीं है कि कनाडा ने ऐसी कोई हरकत की हो और उसके और एशियाई राष्ट्र के बीच संबंध खराब हुए हों कनाडा के चीन से भी संबंध कुछ इसी वजह से खराब हुए कि एक व्यवसायी माइकल स्पावर और एक पूर्व राजनयिक माइकल कोवरिंग को जासूसी के आरोप में बीजिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था अमेरिका के अनुरोध पर दिसंबर 2018 में हुआवे के कार्यकारी मेंग वांगझोउ की हिरासत के बाद इन दोनों को चीन ने गिरफ्तार किया था इसके बाद कनाडाई सांसद माइकल चोंग के खिलाफ चुनावी हस्तक्षेप और धमकियों के गंभीर आरोप लगाए गए एक ऐसा माहौल बन गया जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए रूस के साथ भी कनाडा के संबंध बेहतर नहीं है रूस यूक्रेन युद्ध में कनाडा खुलेआम कीव का समर्थन कर रहा है रिपोर्ट में कहा गया कि ओटावा ने अनजाने में खुद को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां उसके सबसे रिश्ते खराब हो चुके हैं जापान और यूके और ऑस्ट्रेलिया और इन कंट्रीज की बात करें तो वो ये कनाडा को कैसे देख रही हैं और क्या वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं या फिर कनाडा को सपोर्ट करती हैं क्या कहेंगे अमेरिका ने जाके नहीं मारा था लादन को और इसराइलियों ने वो सुलेमानी जो थे इरेनियन तो जो लोग एक मुल्क की सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं उनको फिर ये मुल्क मार भी देते हैं तो क्या मतलब है कि अगर इंडिया ने मारा है तो वही कुछ किया है जो ये दोनों करते रहे हैं या बाकी मुल्क करते रहे हैं लेकिन ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं है ये कमेंटेटर्स की पोजीशन है खालिस्तान कभी बन नहीं सकता ये भी बता दूं हाँ इतने बड़े इंडियन आर्मी को इंडियन स्टेट को डिफीट करके खालिस्तान बनेगा तो कहाँ बनेगा लैंड लॉक्ड पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सैंडविच्ड देयर इज़ नो चांस फर्स्ट ऑफ ऑल के इंडिया को आप मिलिटरीली डिफीट कर दें टू क्रिएट खालिस्तान और इंडियंस ने अब गवर्नमेंट ने नहीं लेकिन इंडियन कमेंटेटर्स ने कहना शुरू किया है कि क्या अमेरिका ने ऐसी
टेररिज्म का एक्ट नहीं किया था जब, और फिर इसराइल ने वो जो है ईरानियन साइंटिस्ट को मार दिया था, सुलेमानी को. सो इंडिया से ये पोजीशन भी आ रही है, विच इट्स नॉट द गवर्नमेंट पोजीशन, लेकिन एक आर्गुमेंट तो बन रही है ना कि अगर आप मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं मार सकते. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब ट्रूडो फंस गए अपने ही कंट्री में भी. ट्रूडो की तगड़ी बेइज्जती हो रही अपने ही कंट्री में, अपने ही पार्लियामेंट में. उनके ऑपोजिशन क्या बोल रही है, बोल रही है कि आपने रिलेशंस खराब किए इंडिया से, इसे ठीक आप ठीक करेंगे. The honorable leader of the opposition. Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist's presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? There has never been a government, liberal or conservative, who has used a national security official to clean up an embarrassing mess that was self-inflicted by this Prime Minister. Today, the Prime Minister confirmed that the theory put forward by one of his national security advisors was true. He has also said that it was the member for Surrey Centre acting alone that was the result of this embarrassing incident. So how can the Prime Minister at the same time blame rogue elements in the Indian government and the member for Surrey Centre? आलम ये हैं कि पहले कनाडा ने वो पोस्टर्स हटवाए जो कि उस गुरुद्वारे के बाहर लगे थे, निज्जर वाले गुरुद्वारे के बाहर. अब और वो सारे कनाडा की एक जगह है जहां पर प्रोटेस्ट होने वाला था खालिस्तानियों का, वो प्रोटेस्ट अब कनाडा उसको रुकवाने की बात कर रहा है. साथ में कुछ दिन तक ये भी कोशिश कर रहा है कि ये खालिस्तानी गैंग बाहर ना निकले, अपना शांत रहे. और वो क्या नाम है पन्नो, उसको तो गायब कर दिया गया, पन्नो अब नहीं देख रहा और देखेगा भी नहीं. ट्रूडो को ये अंदाजा नहीं था जब ट्रूडो गया, ट्रूडो ने हमला किया इंडिया पे, ट्रूडो को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इंडिया इतना गंदा रिएक्शन देगा. उसे लगा कि ठीक है हम निकाल देंगे आदमी, इंडिया अपनी सफाई देता रहेगा, इंडिया किसी को नहीं निकालेगा. इंडिया ने रिवर्स मारा और निकाला. अब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बाद सबके सब समझ गए कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी क्वाइट. कितना सेवेंटी जापान, उसने भी कनाडा को आकार दिखाई, खैर इनसे तो बड़ी इकोनॉमी नो डाउट. उसने बोला आई एम वर्सनिंग बायलैटरल टाइज विद इंडिया इन द वेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडोस एलिगेशंस ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ सिक्स सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर. इट इज परहैप्स टाइम फॉर कनाडा टू इंप्लीमेंट अ फॉरेन पॉलिसी रीसेट, शटिंग ऑफ इट्स मिडिल पावर अप्रोच एंड फोकसिंग मोर ऑन इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी. ये जापान टाइम्स ने बोला. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद. जय हिंद.